अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। नवाज शरीफ ने जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और वसीयत की कि अगर मेरी मौत वाकया हो जाए तो मेरी मैयत। रात की हैरान कुन खबर आ गई। सीनियर साफियत तजियाकार नसरुल्ला मलक ने इनकशाफ किया है कि साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जेल सुपरिटेंडेंट को अपने पास बुलाकर वसीयत की है कि अगर मेरी मौत वाकया हो जाती है तो मेरी मैयत को जल्दी घर पहुँचा देना। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल न्यू न्यूज़ के सीईओ और सीनियर साफी नसरुल्ला मलक ने कहा है कि साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बीमारी शदीद बढ़ चुकी है और उनके शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान में भी बड़ी तफ्तीश पाई जाती है। नसरुल्ला मलक ने कहा, गुज़िश्ता दिनों हमने उनके फैमिली के करीबी ज़राए से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिन में कई बार नवाज शरीफ को अनजाइना की तकलीफ होती है और वहाँ पर इलाज ना होने की वजह से इस बात का खदशा पैदा होता है कि किसी वक्त भी उनको शदीद हार्ट अटैक हो सकता है। सीनियर साफी नसरुल्ला मलक ने कहा कि नवाज शरीफ की जो ज़ाती मालिज डॉक्टर अदनान ने भी बार बार इस तरफ तवज्जो दिलवाई कि नवाज शरीफ के दो बाईपास हो चुके हैं और उनकी जो अब कंडीशन है, उनको किसी टाइम भी हार्ट का शदीद मर्ज लाक हो सकता है, लेकिन इस तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस फॉर्म में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।